जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ, या फिर ऐसा फील होता है कि अब मुझे ब्रेक की नीड है, तो अक्सर जो है वो ट्रैवल पे निकलना होता है। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही है, अचानक से कुछ प्लान नहीं था और दो दिन पहले जो है वो प्लान हो गया, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लाहौर इस्लामाबाद इन आर ऑल्टो 660। सो नया एक्सपीरियंस है, लेट्स सी कैसा होता है। वी आर वेरी होपफुल कि बहुत अच्छा होगा, साथ साथ जो है ये एक गाइडिंग टूर भी होगा, जो लोग जाना चाह रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम जाना चाह रहे हैं, और रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितना फ्यूल लगता है, और कितने टाइम पे हम पहुँचते हैं, और अभी फ्लड की जैसी सूरत हाल है तो उसमें क्या हमें फ़ेस करना पड़ता है। अल्लाह ताला खैर आफत से हमारा सफ़र जो है वो तय कराएं। मैं निकल रहा हूँ फैमिली के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। फिर अभी बज रहे हैं बेसिकली रात के 4:20, सो बस अभी हाफ एन आवर थोड़ा सा और पैकिंग शेकिंग कंप्लीट हो गई है, चीज़ें रख के अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। सो आई होप मज़ा आएगा आप लोगों को भी और हमें भी इंशाल्लाह। हैदराबाद टूर प्लाज़ा M9 मोटरवे क्रॉस करने के बाद सबसे पहला टोल हैदराबाद। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का आगाज़ हो गया है, और जो है अभी तकरीबन 300 किलोमीटर जो है वो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, और इस बीच में जो है वो हैदराबाद क्रॉस किया हमने, इसके बाद जो है वो मटियारी क्रॉस किया, हाला क्रॉस किया, और फिर इसके बाद सईदाबाद का टूल आया, इसके बाद अभी जो है वो हम रवा दवा है मोरू की तरफ करीब ही है, और फिर इसके बाद सखर इंशाल्लाह ताला। सो थोड़ा सा टायरिंग डे है, धूप काफ़ी ज़्यादा है, और बाकी जो है रास्ते की सूरत हाल जो है वो डेफिनेटली हमें पता है कि जो है वो सखर तक ऐसे ही रहना है, थोड़ा सा टूट फूट है, लेकिन ये है कि कोई मसला नहीं है, रनिंग ट्रैफिक है, और बाकी ट्रक्स वगैरह भी हैं काफ़ी, लेकिन इतने नहीं है, मतलब ये कि अब तक जो ऐसा सुना है कि इतने ज़्यादा ट्रक्स हैं और मतलब इतना स्टक हो रहे हैं ड्यू टू मानसून, लेकिन अब तक ऐसा है नहीं, तो होपफुली जो है वो सफ़र अच्छा रहेगा। तो बस इंशाल्लाह सखर पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे एक और ब्रेक लेते हैं, और फिर इसके बाद जो है वो आपको बता दें। ये वो जगह है जिस पे जाने से पहले हमें पता था कि ये रोड ख़राब हो चुका है सैलाब के बायस, और ये कराची से सखर जाते वक्त और मोड़ो से पहले की तरफ है। इसी तरीके के कुछ पैचेस जाने वाले रोड पे
बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे रोटी नहीं है, क्योंकि लेवल हो चुका है पानी और साथ साथ आपका रोड, वो आगे चल के आप देखेंगे इंशाल्लाह। बस्ते घर बर्बाद किए हैं दरिया ओ दरिया। क्या हो रहा है? खाना खा रहे हो? Yes. ये कैसे खाना खा रहे हो मम्मी? हाँ। ये कैसे खाना खा रहे हो तुम लोग? वो तो ऐसे बैठी जैसे घर में बैठी हो। ए, क्या कर रही है? चावल भर रही हूँ। चावल कहाँ है? ये रहे। ओ यार दतिया। क्या हालत हो गई? डैडी को दे देना। डैडी फोन है। डैडी बिचारा। डैडी। ना? धागा है। � तुम सही बैठी रही जी। बाकी बात है सही, मुझे मैं एंजॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह से। कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई कोई ना है, तेरे आस पास रहूँ दिल्ली ना है। तो अभी जो है वो हम पहुँचे हैं रानीपुर, जो सखर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है। और अभी यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा पोर्टेबल गाड़ी को बनाया है, और इसी में हम सब खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना सफ़र बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। पहला स्टॉप हमारा 200 किलोमीटर पे था, वहाँ पे हमने नाश्ता किया जो हालम में था। और फिर इसके बाद अगले दो सब हमने ये सोचा है कि हर 200 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा स्टॉप लें, ताकि गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दें और अपने आप को भी थोड़ा सा रेस्ट दें, क्योंकि आपके पास ड्राइवर आपका भाई है खाली, तो जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी मेरे लिए चलना, क्योंकि 1300 किलोमीटर ओवरऑल हमारा ट्रिप है आज का लाहौर का। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि रात के 1 बजे तक हम लोग लाहौर पहुँच जाएँ। होटल भी बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, सो लेट्स सी, क्योंकि कल की प्लानिंग्स जो है वो फिर कुछ और है, तो देखते हैं क्या बनता है। चलें फिर आपको साथ साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। ये दुनिया है, इस दुनिया में हर कौम पे मुश्किल आती है, जो मुश्किल में घबराते हैं वो हस्ती से मिट जाते हैं। आओ सब आओ, मिलजुल कर चलते हैं अपनी मंजिल पर। ओ, 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 ओ,